मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको दिखाऊंगी मूंगफली से बनने वाली ऐसी स्वीट डिश जो बादाम के हलवे को भी उसके आगे बेकार कर देगी। तो ये है हमारा मूंगफली का हलवा और इसे आप बना सकते हैं। राखी आ रही है रक्षाबंधन पर, घर पर ही बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही किफायती भी है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पौष्टिक है और उसी के साथ ये बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी मूंगफली और इसे आप 150 ग्राम मूंगफली भी बोल सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें हमें थोड़ा बहुत नहीं भूनना है, इन्हें हमें प्रॉपर अच्छे से भूनना है और इतना भूनना है कि इसका छिलका भी निकल जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। स्लो फ्लेम पर भूने जिससे मूंगफली बिल्कुल भी रेड ना हो। ये भुन गई है, इसके छिलके को हाथ से मीट कर मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है और सफ़ेद सफ़ेद दाने यहाँ पर ले लिए हैं। इन दानों को हम मिक्सी के एक जार में डालकर पेस्ट तैयार करेंगे। ये एकदम भुने हुए दाने हैं तो इनको पिसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्हें आप तब तक अच्छे से पीसिए, लगभग 2-3 बार हाई पॉइंट पर आपको पीसना है इनको, जब तक ये एक मावा का फॉर्म ना ले ले। ये देखिए एकदम ये चिकना हो गया है, बिल्कुल मावा की तरह से। ये इतना सॉफ्ट और एकदम स्मूथ है। यदि आपको पिसने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो आधा चम्मच पानी, बस आधा चम्मच पानी आपको मूंगफली में डालना है। ये है मेरे पास आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। इसे हम बस थोड़ी ही देर चलाएंगे और आप देखेंगे कि ये चाशनी की फॉर्म में बदल गया है। ये चाशनी कम से कम 2 तार की चाशनी है। चीनी के दाने सभी गल जाएंगे इसमें और इसमें तार भी अच्छे से आएगा। 2 तार का तार ले रहे हैं हम इस हलवे के लिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये देखिए इसमें 2 तार आने लगे हैं, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी हो रही है। ये देखिए कई सारे तार आ रहे हैं तो अब हम इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और ये हमारी जो पिसी हुई मूंगफली है इसमें फटाफट से डालकर इसको जल्दी जल्दी चलाना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को एकदम लो कर दें जिससे ये मूंगफली इसमें एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगी जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे। इस मूंगफली के हलवे को हमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहने देना है। यदि ये कच्ची रह जाती है तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए हम इसको प्रॉपर एकदम लो फ्लेम पर चला रहे हैं। ये देखिए चलकर रेडी हो गई है एकदम से और जो भी चीनी थी वो इसमें खुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेस्ले का भी मिल्क पाउडर आता है जो चाय के लिए आता है, आप वो भी डाल सकते हैं। और यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इस केस में आप मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं, बट मिल्क पाउडर से टेस्ट थोड़ा अच्छा और इंक्रीज हो जाता है। ये आपके ऊपर है, यदि आपके पास नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें डालना ही डालना है। इसे भी मैंने हल्का सा भून लिया है। और अब मैं मूंगफली में डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। इसमें हम घी की क्वांटिटी बहुत ही कम रख रहे हैं क्योंकि मूंगफली में ऑलरेडी ऑयल होते हैं, अपने नेचुरल ऑयल हैं, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 चम्मच देसी घी से ही इसका काम अच्छे से हो जाएगा।
फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है बिकॉज हमारी मूंगफली ऑलरेडी भुनी हुई थी। और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कटोरी दूध। दूध को हम एकदम लो फ्लेम पर ही इसको हम बना रहे हैं। बस हमने चाशनी को जल्दी बनाने के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पर बनाया था, उसके बाद हमने जो भी काम किया वो सब कुछ लो फ्लेम पर किया है। और ये देखिए इसका कितना बढ़िया गोल्डन कलर आने लगा है। और ये चारों तरफ से उठने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका हलवा हो गया है। यहाँ पर मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है, 2 बूंद फूड कलर, येलो कलर। यदि आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। फूड कलर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि उनका देखने में वो काफ़ी अच्छे लगने लगे, अदरवाइज इनका कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। तो सभी हलवाई भी जब भी कोई मिठाई तैयार करते हैं तो उसमें फूड कलर इसीलिए डालते हैं कि वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये देखिए चारों तरफ से हमारा हलवा अच्छी तरह से उठ रहा है, बिल्कुल भी कढ़ाई में कहीं भी लग नहीं रहा है। तो ये इस हलवे की एक पहचान है कि हमारा हलवा प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो जैसे कि मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं, बादाम का हलवा बनाते हैं, वो जब प्रॉपर उठने लगता है तो आप उसको 2 तरीके से खा सकते हैं। या तो आप उसकी चकतियाँ जमा लीजिए या फिर आप उसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करके दे दीजिए। तो फिलहाल हम इनकी चकती जमाएंगे और यदि आप चाहें तो माइक्रोवेव में या कढ़ाई में 1/2 मिनट के लिए इसको गर्म कीजिए तो ये हलवा गर्मा गर्म आप वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रे को पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर रखा था, यानी देसी घी से मैंने इसको पहले ही ग्रीस कर रखा है। और इसको जमाने के लिए अब रख दिया है मैंने लगभग 2-3 घंटे के लिए, फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ही आराम से जम जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा रही हूँ। और जैसे कि आपको हलवाई क्या मिलते हैं, बढ़िया सी हलवा की बर्फी, हलवा के पीसेस, जैसे मूंग की दाल की बर्फी के मिलते हैं या फिर आपको बादाम के हलवे के मिलते हैं, तो उसी तरह से हम इसको कट करेंगे। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्मूथ मुंह में घुलने वाला हमारा मूंगफली का हलवा रेडी है, जो बहुत ही कम चीनी में तैयार हुआ है। ये बहुत ही पौष्टिक है, बच्चों के लिए भी पौष्टिक है, और इसका जो टेस्ट है वो बादाम के हलवे से कहीं से भी कम नहीं लगता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।